खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से। जनपद बाराबंकी में थाना सफदरगंज क्षेत्र अंतर्गत सफदरगंज चौराहे पर वन विभाग की पौधाशाला है, जहां पर ग्रीन एग्रो कंपनी द्वारा मानक विहीन कार्य कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रत्येक जिले में ये लोग सोलर पैनल के माध्यम से बोरिंग कराकर सिंचाई के कार्य हेतु इसे बनवाते हैं और वहीं पर टॉयलेट और बाथरूम भी बनवाते हैं। इस संबंध में मीडियाकर्मी द्वारा जब पूछा गया और इसके एस्टीमेट के बारे में पूछा गया तो वहां कुछ भी नहीं बता पाए। हाँ, देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्य मानक विहीन तरीके से कराया जा रहा है। जो बाथरूम बनाया जा रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ही कम है। इस संबंध में DFO बाराबंकी से जानकारी करना चाहा किंतु उनसे संपर्क नहीं हो पाया तथा वहां पर उपस्थित वन विभाग कर्मचारी भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए और उन्होंने यह भी माना कि यह घटिया ईंट और घटिया मसाला लगाया जा रहा है। जो शौचालय बनाया जा रहा है उसकी भी चौड़ाई बहुत कम है, जिससे उसके इस्तेमाल में भी बहुत असुविधा होगी क्योंकि इसकी चौड़ाई बेहद ही कम है। देखिए सफदरगंज से प्रेम नारायण वर्मा की ब्यूरो रिपोर्ट। देखो टूटा कि नहीं टूटा, टूट गया, दोनों टूट गए, दूसरा देखो। ये देखो ये भी टूट गया, अच्छा। ये कौन काम करा रहा भैया यहाँ? ये वन विभाग है ना, वन विभाग है। नमस्कार, भैया जी ठेकेदार आप हैं? ये पीला ईंटा लगवा रहे हैं? लेटरिन बाथरूम है लेकिन ये पीला ईंटा लग रहा है? पीला ये आपको पीला नहीं लग रहा? एक ही झटके में भी पूरा ईंटा वो टूट गया खट से। क्या नाम आपका? उत्तम सिंह। उत्तम सिंह, ठेकेदार नहीं हूँ। हाँ मैं वर्कर हूँ। वर्कर है? ये किसके माध्यम से बन रही लेटरिन? ये एग्रो ग्रीन के कंपनी है। एग्रो ग्रीन। अच्छा, ठेकेदार इसका? एग्रो ग्रीन वाले हैं। एग्रो ग्रीन नंबर है कोई उनका? नहीं नंबर। अच्छा, देखिए सफदरगंज में जो है वन विभाग नर्सरी है सफदरगंज में, और यहाँ पे जो ये शौचालय बन रहा है किसके द्वारा बनाया जा रहा है? वन विभाग द्वारा। नहीं, आपने भी कुछ और बताया था। ठेका लेती है एग्रो ग्रीन। एग्रो ग्रीन सोलर का है। सोलर का? हाँ जी, सोलर लगेगा, बोरिंग होगी। अच्छा, तो ये पीला ईंटा लगवा रहे हैं उसमें? पीला कहाँ, लाल है की? अरे यार पीला तो ईंटा पूरा है, भी देखो खटाखट सब टूट रहा है।